चंद्रपुर जिले के पांडरकड़ा गांव में इकलौता मुख्य मार्ग के किनारे नियमों को ताक पर रखकर नाली का निर्माण हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी का आलम यह है कि जमीन से सरकारी नाली हवा में 1.6 फीट ऊपर दिखाई दे रही है। पांडरकड़ा गांव में मुख्य सड़क किनारे PWD के तहत बनने वाली नाली के निर्माण कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है। स्थानीय लोगों के आरोप है कि नाली का निर्माण कार्य में अनदेखी हो रही है। कुछ स्थानों पर नाली का निर्माण कार्य लीपापोती की गई। लोगों ने कहा कि नाली सड़क से 1.6 फीट के ऊपर बन रही है, जिससे नाली बनने से कोई भी फायदा नहीं होगा। नाली रास्ते से 1.6 फीट ऊपर होने से बारिश व लोगों के घरों से निकलने वाले पानी नवनिर्माण नाली में नहीं जा सकते। नाली बनाने का कोई भी फायदा नहीं होने से सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। प्रशासन की अनदेखी को लेकर पूर्व में भी निर्माण को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ठेकेदार पर मेहरबान है और मनमानी करते हुए निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने और सड़क से 1.6 फीट ऊपर हवा में नाली बनाने व टेढ़ी मेढ़ी नाली का निर्माण को लेकर पूर्व सरपंच विजय बजबे व यंग चंदा ब्रिगेड के दंदराज हनुमंते व ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया है और तत्काल निर्माण कार्य को बंद कर नए सिरे से मापदंड के अनुरूप सुव्यवस्थित निर्माण कार्य करने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर अन्य ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल निर्माण कार्य बंद करे और नए सिरे से निर्माण करने की बात कही। निर्माणाधीन नाली का विवाद उत्पन्न हो चुका है और निर्माण में नियमों की जमकर अनदेखी की गई है। हे जे नाली बनून राहली हे शाळेमध्ये बघा, शाळेमध्ये जायला सुद्धा जागा नाही राहिली, तर हे पाणी कुठे जाणार? हे नाली पूर्ण रोडच्या राईटवरच्या वरतू जाऊन राहिली, तर हे पाणी कुठे जाणार? तर हे थोडं पाहावं लागेल, PWDला सांगावं लागेल का हे नालीचं का काम आहे जे थांबवून थोडंसं चांगलं बनवावं लागेल, याच्यासाठी तुम्ही दक्षता घ्यावी। आपल्या PWDचं एक काम चालू आहे नालीचं, हे अतिशय बेकार काम चालू आहे। हा कामाचा दर्जा बिलकुल घटिया दर्जा आहे, दर्जा तर घटिया आहे, परंतु हे नाली जे बनत आहे हे रोडच्या वर बनून राहिली आणि ह्या नालीनं पाणी जाणार नाही आणि हे तुम्हाला प्रत्यक्ष दिसत आहे। BCN न्यूज के लिए घुघुस से सदन बाबू रेनकुंटा की रिपोर्ट।